चाचा चौधरी और डाकू। चाचा चौधरी को एक दिन शहर की सूझी। वाह, बड़े सर्राटे से स्कूटर चलाते हो चाचा जी। पगड़ी उड़ने का डर ना होता तो देखते स्पीड। ये खंडहर कैसे हैं? पुराने जमाने में ये एक राजा का महल था। लोगों को भय है कि इन खंडहरों में भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए यहाँ लोग नहीं आते। चलो देखें कि वास्तव में यहाँ भूत रहते हैं। आओ अंदर चलें। चलो। दरअसल उन खंडहरों के अंदर खूंखार डाकुओं ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। आज हमने कंगाल बैंक को लूटना है, ठीक है? लेकिन उस बैंक में तो हमेशा भीड़ रहती है। मूर्ख, हम वहाँ पुलिस के भेष में जाएंगे। लोग समझेंगे कि पुलिस ने छापा मारा है। चाचा चौधरी और दीपू खंडहर में आ जाते हैं। इस तरह हम बैंक का सारा रुपया लूट लेंगे। चाचा जी, कुछ आवाजें सुनी? जरूर यहाँ भूत रहते हैं। दीपू, भूत बैंक लूटने की बात नहीं किया करते। जरूर दाल में कुछ काला है। सारे डाकू पुलिस का भेष बदल लेते हैं। कहो, कैसी रही? वाह सरदार, सचमुच के इंस्पेक्टर लग रहे हो। सारे डाकू खंडहर से निकलकर बैंक की तरफ रवाना हो जाते हैं। अपना स्कूटर कहाँ है? चाचा चौधरी पूरी रफ्तार से स्कूटर चलाता है। हमें उनका पीछा करना चाहिए। बैंक के सामने वह देखो, उनकी जीप खड़ी है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जल्दी लेकर भाग चलो। तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने डाकुओं के सरदार को दबोच लिया। चाचा चौधरी ने सरदार की वर्दी खुद पहन ली। अब देखो मेरा कमाल। सरदार जल्दी आओ, आ गया। सरदार का हुक्म मानो और सभी बंदूकें नीचे फेंक दो। हैं? क्यों? तुम्हारा अपने प्रति विश्वास देखना चाहता हूँ। ये रही बंदूकें तुम्हारे चरणों में। शाबाश। चाचा चौधरी अपनी बंदूक उनके ऊपर तान देता है। अब तुम सारे नकली सिपाही असली पुलिस थाने चलो। मैं तुम्हारा सरदार नहीं, चाचा चौधरी हूँ। चाचा चौधरी और नए साल का तोहफा। एक दिन चाचा चौधरी बाजार से लौट रहे थे। चाचा जी, नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी। कहो खुशी राम, कैसा हाल है? बस आपकी दुआ है। चाचा जी, ये क्या, एक आपने छोटा और दूसरा बड़ा हैट उठाया हुआ है? मैं हर साल पर साबू और टिंगू मास्टर को तोहफे देता हूँ। ये दोनों हैट उन्हीं के लिए फैक्ट्री को ऑर्डर देकर स्पेशल बनवाए हैं। इतना कहकर चाचा जी अपने घर की तरफ चल देते हैं। लो भगवान, ये दोनों हैट मकान के पीछे मेज पर रख दो। तभी साबू और टिंगू मास्टर वहाँ आते हैं। नया साल मुबारक हो चाचा जी। नया साल मुबारक हो। भाई तुम्हें भी। साबू, आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। तुम कितने वर्ष के हो गए हो? 2400 वर्ष का है। झूठ, क्या कोई इतने सालों तक जिंदा रह सकता है? टेंगू मास्टर, तू नहीं जानता, साबू इस दुनिया का नहीं है, जुपिटर का प्राणी है। वहाँ के लोगों की उम्र इतनी ही होती है। तब तो मुझे भी वहीं भेज दो। तुम दोनों के लिए मैंने दो हैट लाकर मकान के पीछे मेज पर रखे हैं। जाकर ले लो। हुर्रे, मजा आ गया। साबू और टिंगू मास्टर तुरंत मकान के पिछवाड़े की ओर दौड़ लगाते हैं। अरे,
ये क्या? चाचा जी जब भी कोई चीज लाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ये हैट हमें बिल्कुल फिट नहीं आए। इधर लाकर दिखाओ। दोनों चाचा जी के सामने आते हैं। हे भगवान, इन दोनों को कब अक्कल देगा? चाचा चौधरी और फूल। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी बैठे बैठे सुस्ती आने लगी है। साबू आओ जरा गोला फेंकने की कसरत कर लो, फुर्ती आ जाएगी। और दोनों लोहे के गोले की तरफ चल देते हैं। ये 100 किलो का गोला तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है। साबू गोले को हाथ में उठाता है। हाँ, इसे फेंकने के लिए कुछ दम चाहिए। इधर। अहा, फूल, मेरी बीवी ने कहा था कि उसे बालों में लगाने के लिए फूल चाहिए, ये तो करीब ही मिल गया। अगर मैं ये फूल चुपके से तोड़ लूं, तो किसे पता चलेगा? इधर साबू गोले को अपने हाथ में लेता है और हवा में उछाल देता है। ये गया। गोला जाकर सीधा दीवार से टकराता है और दीवार को तोड़ते हुए उस आदमी को टक्कर मार देता है। और वो आदमी उड़ता हुआ सीधा तारकोल के ड्रम में जा गिरता है। बीवी के फूल ने कहाँ पहुँचा दिया? चाचा चौधरी और बोलता पेड़। शहर के बाहर एक पुराना पेड़ है। थके हारे यात्री आते हैं और पेड़ की घनी छाया में विश्राम करते हैं। एक दिन पेड़ के अंदर से आवाज आई। यात्री, तुम मेरी ठंडी छांव में आराम कर रहे हो, इसका टैक्स दो। अरे पेड़ भी कोई टैक्स मांगते हैं? मुझसे जवान लड़ाता है, ये ले। आई। पेड़ देता, माफ करना, मैं अपना बटुआ तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। यात्री वापस चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर, चाचा जी जरा बात सुनना, आज मैंने एक अजीब बात देखी, वो पेड़ अपनी छाव का टैक्स मांगता है। पेड़ और छाव का टैक्स? चाचा चौधरी उस यात्री के साथ घटना स्थल की ओर चल देता है। आओ मेरे साथ। घटना स्थल पर पहुंचकर पेड़ के अंदर से फिर आवाज आती है। यात्री, मेरी छाव में बैठने आया है तो तुझे टैक्स देना होगा। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। पेड़, मैं यहाँ बैठने नहीं तुझे काटने आया हूँ। संभालो, आई मेरी कुल्हाड़ी। ना ना ना, ऐसा ना करना, पेड़ के साथ मैं भी कट जाऊंगा। अरे रुल दो तुम। रुलदू बाहर आता है। चाचा जी, इस पेड़ के खोखले तने में बैठकर मैंने सोचा था कि लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा और पैसे ऐठूंगा। अब जब भेद खुल गया है तो मैं इस यात्री का बटुआ वापस करता हूँ। बिल्लू और पर्यावरण। बिल्लू और जोजी हरियाली का आनंद ले रहे थे। बिल्लू देखो, उस पेड़ पर क्रॉस का निशान। जोजी, वो मैंने ही लगाया है। ये निशान मुझे सावधान करता है कि इस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है।
मैं इससे दूर रहूं। उन कारखानों ने धीरे धीरे हरियाली के बड़े भाग को निगल लिया है। बस एक ये जंगल बचा है। इसको भी तुम आज आखिरी बार देख लो। सारे पेड़ गिरा दो, जंगल को साफ कर दो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़के हट जाओ वरना बुलडोजर तुम्हें कुचल देगा। पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपदा है। तुम्हारा मतलब है पेड़ों की लकड़ी से हजारों रुपयों का जो मुनाफा होने वाला है उसे मैं छोड़ दूं? नामुमकिन। ठीक है, अगर पेड़ गिराने ही हैं तो इससे शुरू करो। ऐसा ही सही। ड्राइवर, इस पेड़ को गिराओ पहले। मुसीबत आने से पहले खिसक लो। है? चाचा चौधरी और महंगा साबू। एक दिन चौखट राम ने चाचा चौधरी से पूछा, इतना बड़ा आदमी कहाँ से लाए? साबू आदमी नहीं, जिन है। एक दिन हमें घर के कबाड़ खाने से ये चिराग मिला। चिराग को रगड़ने से ये साबू प्रकट हुआ। देखो अभी ये इसमें वापस जाएगा। साबू चिराग में जाओ। जो हुकुम मेरे आका। और साबू धुआं बनकर वापस चिराग में समा जाता है। देखा चौखट, सचमुच अजीब चीज है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। चाचा चौधरी के जाने के बाद, अगर मैं इसे लेकर खिसक जाऊँ तो मेरे बच्चे साबू को देखकर बड़े खुश होंगे। और चौखट उस चिराग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यही मौका है, भागो। चाचा चौधरी चाय लेकर आए। अरे चौखट कहाँ गया? चिराग गायब है। हाय, साबू को चुरा लिया। फिक्र ना करो भगवान, वो खुद चिराग लौटाने आएगा। चौखट घर पहुँचा। टिंकू रिंकी, देखो तुम्हारे लिए अजीब खिलौना। चौखट ने चिराग रगड़ा और साबू प्रकट हुआ। देखो कितना बड़ा आदमी। साबू के बच्चे नाच जल्दी। जो हुक्म मेरे आका, पर मुझे भूख लगी है, खाने को दो। 2000 पूड़िया, 1 क्विंटल हलवा, 1 ड्रम दाल, रायता 1 ड्रम। ये सुनकर चौखट राम अपने कान पकड़ लेता है। बस बस, तुम तो बड़े महंगे जीव हो, मुझ पर रहम करो और चिराग में वापस लौट जाओ। मेरी तौबा। ठीक है। और साबू वापस चिराग में समा जाता है। चौखट राम दौड़ता हुआ चाचा चौधरी के घर वापस आता है। चाचा जी संभालो इसे, ये तो मेरा एक दिन में ही दिवाला निकाल देगा। मुझे पता था चौखट राम तू वापस आएगा। साबू को रखना तेरे बस में नहीं। चाचा चौधरी और दादाजी का उपहार। बेटा तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, अब मेरी इच्छा है कि बाकी उम्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए बिताऊं, इसलिए अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें ये ढोल देता हूँ। इसे बजाओ, नाचो गाओ और खुश रहो। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी दंपत्ति के हाथ में ढोलक पकड़ा कर चला जाता है। तुम तो कहते थे कि कर सेवा खा मेवा, दादाजी जाने से पहले हमें अपनी धन दौलत दे जाएंगे। लो ये पुराना
ढोल गले में डालो और बजाओ दिन रात। हाय रे, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, धोखा। तभी चाचा चौधरी और साबू वहाँ से गुजरते हैं। हाय, लूट गए, धोखा हो गया। साबू, जरा मैं देख कर आऊँ अंदर कौन रो रहा है। क्यों भाई, क्या बात है? दादाजी की हमने वर्षों तक जी जान से सेवा की। हमें उम्मीद थी कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले वो हमें कुछ संपत्ति या नगद नारायण दे जाएंगे, लेकिन वो हमें देकर गए ये पुराना और बेसुरा ढोल। हम सैकड़ों रुपयों के कर्ज में दब गए हैं, ढोल का हम भला क्या करेंगे? देखो, बुजुर्ग लोग जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। नहीं, मैं इस ढोल को नहीं रखूंगा, मैं इसके अभी टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से ढोल पर दे मारी, जिससे ढोल टूट गया। हैं, ये क्या? ढोल के अंदर नोटों की गड्डियाँ, और वो भी सासा के। शुक्र मनाओ कि तुमने ढोल को तोड़ा ही, आग में जलाया नहीं। चल भाई साबू, आगे बढ़े। चाचा चौधरी और हकीम जमाल गोटा। एक कस्बे में नीम हकीम जमाल गोटा आए और दवाखाना खोल बैठे। दवाखाना, हर मर्ज की दवा 2 रुपए। क्यों भाई कल्लन, क्या दवाइयाँ तैयार कर दी? मरीजों के आने का टाइम हो गया है। अरे हकीम साहब, दवाई क्या खाक है, आप तो चीनी की गोलियां बनवा रहे हैं। इससे मरीजों को क्या आराम आएगा, ये तो साफ बेईमानी है। तू नहीं समझता, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। 5 रुपए की 1 किलो चीनी हम लाए, उसकी 1000 गोलियां बनाई। अगर हर मरीज को 10 गोलियां 2 रुपए में दवाई कहकर दे दी जाए तो 200 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें 195 रुपए मुनाफा होगा। लगता है मरीज आ रहे हैं। हकीम साहब, मुझे सख्त बुखार है। बैठो, दवाई देते हैं। पहले ये बताओ, एक समय में तुम कितनी रोटियां खाते हो? रोटियां खाने का मेरे मर्द से क्या ताल्लुक? अरे भाई, तुम्हारी खुराक के हिसाब से ही तो दवाई देंगे। एक समय में यही कोई 4-5 रोटियां खा लेता हूँ। ठीक है, ये लो 10 गोलियां। जो कोई जितनी रोटियां खाता है उससे 2 गुनी गोलियां दी जाती है। निकालो 2 रुपए। शाम को जब दवा खाना बंद हुआ। क्यों कल्लन, आज कितने रुपए आए? वाह हकीम जी, सारी गोलियां बिक गई। देखो ये नोटों के ढेर। 3 दिन बाद मरीजों की भीड़ फिर हकीम जी के दवाखाने पर लगी। मेरी आंख को तुम्हारी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे सिर का दर्द नहीं गया, मेरा बुखार नहीं उतरा। हमारे पैसे लौटाओ। पैसे वापस नहीं होंगे, मेरा काम है दवा देना। मर्द ठीक करना नीली छतरी वाले का काम है। अगर तुम ठीक नहीं हुए तो ये ऊपर वाले का दोष है, समझे? ये नीम हकीम हमारे पैसे नहीं लौटाएगा। इस तरह तो दूसरे लोग भी ठगे जाएंगे। चलो चाचा चौधरी के पास चलो। सब चाचा चौधरी के पास जाकर हाल सुनाते हैं।
ठीक है, अगर उस हकीम की दवा दो चार लोगों को भी आराम पहुंचाती और कुछ को नहीं तो वो बेकसूर था, पर जब सबके सब मरीजों की बीमारी वैसी की वैसी है तो जरूर कोई धांधलेबाजी है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और फिर चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं हकीम जमाल गोटा के दवाखाने की ओर। आओ साबू, जरा हम भी हकीम साहब से दवाई ले आए। चाचा चौधरी दवाखाने पहुंचता है। हकीम साहब, हमारे एक मरीज के पेट में दर्द हो रहा है। गोलियां दे देते हैं, 2 रुपए निकालो। ये लीजिए 2 रुपए। हाँ, तो अब बताओ कि मरीज एक समय में कितनी रोटियां खाता है? यही कोई 1.5-2 हजार है। मजाक मत करो चौधरी, हकीम और डॉक्टरों से मजाक नहीं किया करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हकीम साहब, आप दवा खाने से बाहर आकर खुद उसे देख ले। चलो देखे जरा। और दोनों दवा खाने से बाहर की ओर चल देते हैं। बाहर आकर आई, बाप रे, अबे कल्लन, ये तो हमारे दवा खाने की सारी गोलियां चट कर जाएगा। आप अपनी फीस ले चुके हैं, इसे 4000 गोलियां दीजिए। कल से मेरा ये मरीज हर रोज आपके दवा खाने से दवाई ले जाया करेगा। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे पास कोई दवाई नहीं, वे तो चीनी की गोलियां हैं। ठीक है, इन सारे मरीजों के पैसे वापस करो। अभी करता हूँ और मैं दवाखाना बंद करके कहीं दूर चला जाता हूँ। पिंकी और दारा। डिंपी, तुमने बिल्ली का बच्चा कहाँ से लिया? पिंकी, हमारी पूसी ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। देखो, वो रुस्तम, बीमा, शेरू और वो काला दारा। मुझे दारा पसंद है, बड़ा चंचल लगता है। ये बहुत शैतान है, एक बार कहीं गुम हो गया था, ढूंढते हुए सारा परिवार परेशान हो गया। सोचा कहीं वह जंगल की तरफ तो नहीं निकल गया, वहाँ भेड़िया उसे चीर फाड़ कर खा जाता। लेकिन ये बिल्ली का बच्चा सोफे पर पड़े ओवरकोट की जेब में छुपा बैठा था। डिंपी, दारा बाहर कैसे गया? विक्की के पापा कहते हैं कि मैं बुनाई कढ़ाई में सुस्त हूँ। आज शाम को जब वो दफ्तर से लौटेंगे तो मैं उन्हें ये स्वेटर पहनाकर चकित कर दूंगी। टेलीफोन। हेलो, मिसेस शोभा, क्या खुशखबरी है? क्या सदर में साड़ियों की सेल लगी है? हम कल वहाँ दोनों इकट्ठी चलेंगी। कनॉट प्लेस से क्रॉकरी भी खरीदनी है। मिसेस बांकनी, क्या तुमने नई टीवी सीरियल देखी है? उसमें हीरो कितना क्यूट है। हाँ, लेकिन अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे अपने पति का स्वेटर शाम तक बुनकर तैयार करना है। हाय, सारा स्वेटर उधर डाला। मैं उसे पकड़वाकर कॉर्पोरेशन के आवारा जानवरों के कटघरे में डलवा दूंगी। तारा रुको, इसे पकड़ो। मुझे जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ
हिजाब से बाल क्यों रंगे जा रहे हैं? मेरी शादी का एक प्रस्ताव आया है। क्या इस उम्र में दूसरी शादी करोगे? शर्म नहीं आती? तूफान मेल खा कितनी भी शादियां कर सकता है। सलामत रहे ये खिजाब, इसे लगाते ही असली उम्र का पता ही नहीं चलता। दादा, वो फिर गायब हो गया। मैंने उसे तूफान मेल खा की हवेली की तरफ जाते देखा था। वो रहा, पकड़ो उसे। साइंस ने बढ़ती उम्र को छुपाने के लिए क्या बेहतरीन चीज बनाई है। छपा। ओह, मैं उस बिल्ली के बच्चे को गोली मार दूंगा। वह खाता जा रहा है। पिंकी, जल्दी आओ। रुक जाओ। कुत्ते से सावधान। वह कर्नल साहब के घर जा रहा है। बाप रे, वो बड़ा कुत्ता दारा को चीर फाड़ देगा। इस छड़ी से कुत्ते को डराया जा सकता है। हटो, छोटे को मारना चाहते हो? छल्ला, छपा। तख्ता कुत्ते के बोझ से उलट गया। दारा, तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही होगी। घर चलो। चाचा चौधरी और कारों की दौड़। एक दिन चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। चाचा जी, ये खटारा कहाँ से ले आए? मेरे एक दोस्त को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह इसे मुझे बेच गया है। कहता था दिखने में ये खटारा जरूर है, पर दौड़ती बहुत तेज है। थोड़ी दूरी पर पोपट और चौखट अपनी नई कार में बैठे हैं। अरे पोपट, चाचा चौधरी की अकल का राज क्या है? वह है उसकी पगड़ी। जिसके सिर पर उसकी पगड़ी होगी, वह उतना ही अकलमंद हो जाएगा। हैं? तो चलो, आज मैं चाचा चौधरी की पगड़ी ऐंठ लेता हूँ। लेकिन वह लोगे कैसे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने बड़ों बड़ों को उल्लू बनाया है। ये बुड्ढा है किस खेत की मूली? हैं? वहां पहुंचकर कहो चौधरी, कुतुब मीनार तक कारों की दौड़ हो जाए? हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि अगर हमारी कार वहां पहले पहुंच गई, तो तुम्हें अपनी पगड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। मंजूर है, लेकिन अगर हम वहां पहले पहुंच गए तो हम तुम्हारी पैंट कमीज ले लेंगे। ठीक है, दौड़ शुरू की जाए। एक, दो और तीन। अरे चौखट, चौधरी की कार आगे निकल गई। कहीं सचमुच लेने के देने ना पड़ जाए। तू फिक्र ना कर, मैं ऐसा शॉर्टकट जानता हूँ जिससे हम उससे 5 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस शॉर्टकट से जाना तो सरासर बेईमानी है। अरे सब चलता है। चाचा जी देखो, पोपट चौखट की कार हमसे आगे जा रही है। उन्होंने जरूर हेरा फेरी की होगी। उन्होंने पुल के नीचे वाली सड़क से शॉर्टकट मारी है। तभी उधर से साबू घूमता हुआ आता दिखाई दिया। अरे चाचा जी, आप कहाँ? पोपट चौखट से कार दौड़ की शर्त लगी हुई है। कमबख्त बेईमानी करके आगे निकल गए। मेरी पगड़ी मेरी इज्जत है, कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए।
अगर वो हेरा फेरी कर सकते हैं, तो हम भी कम नहीं। आओ मेरे साथ। साबू कार को हाथ में उठा लेता है और साबू दौड़ लगा देता है। मुझसे तेज जाने वाली कार अभी बनी नहीं, मिनटों में आपको कुतुब मीनार पहुंचाता हूं। उधर पोपट और चौखट फूले नहीं समा रहे थे। कहो पोपट, चाचा चौधरी कहीं दिखाई दे रहा है? अरे उसका कहीं नामो निशान नहीं। बस तो पगड़ी अब हमारी हो गई। वह रही कुतुब मीनार। जैसे ही वो कुतुब मीनार पहुंचते हैं, हैं? वो तो पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। अरे घंटे से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। पोपट और चौखट को शर्त के अनुसार अपने कपड़े उतार कर उन्हें देने पड़ते हैं। लो पगड़ी लेने चले थे, अपनी पैंट कमीज से भी हाथ धो बैठे।